हेलो फ्रेंड्स, आज मैं जो कलर यूज़ कर रही हूँ वो ब्रूस्ट्रो के एक्रोलिक कलर है। ये 12 ml का एक ट्यूब है, यहाँ पर 24 शेड्स के एक कलर हैं। तो चलिए हम जानते हैं कि मैंने अपनी जो पेंटिंग बना रही हूँ उसमें मैंने कौन कौन से कलर यूज़ किए हैं। तो यहाँ पर मैंने लेमन येलो, ओकर एंड डीप येलो कलर का यूज़ किया है। अगर हम बात करें ब्राउन शेड्स की, तो ब्राउन शेड्स में मैंने वन शाइना, वन अम्बर एंड ब्लैक कलर यूज़ किया है। फिर इसके बाद मैंने रोज़ रेड, ग्रीन एंड वाइट कलर का भी यूज़ यहाँ पर किया हुआ है। ग्रीन में आप कोई भी कलर ऑफ शेड्स ले सकते हैं जो आपके पास अवेलेबल हो। हमें सिर्फ हल्का सा ग्रीन का टच देना है। तो स्टार्टिंग की है मैंने इन कलर से। ओके, तो अब हम हमारी पेंटिंग बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने एक बहुत ही सुंदर स्पैरो जो होती हैं उनकी पेंटिंग बना रही हूँ। तो आई होप आप लोगों को पसंद आएगी। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें जिससे कि आप लोगों को पता चले कि कैसे एक एक फाइन डिटेल्स हम यहाँ पर कैसे क्रिएट करें। ठीक है, क्योंकि एक्रेलिक कलर जो होते हैं वो बहुत ही जल्दी सूख जाते हैं, बहुत ही जल्दी ड्राई हो जाते हैं। तो मोस्टली हमें फ़ैन ऑफ करके या फिर ऐसी जगह बैठना होता है जहाँ पर ज़्यादा हवा ना आ रही हो। तो ऐसे ही मैंने भी किया हुआ है। यहाँ पर सबसे पहले मैंने ओकर येलो एंड वाइट टोन, थोड़ा सा उसमें ब्राउन एंड ग्रीन मिक्स करके मैंने एक लाइट टोन शेड बनाया हुआ था जो मैंने एक लेयर लगा लिए। इसके बाद मैं ब्राउन के जो शेड्स हैं वो अप्लाई कर रही हूँ। डार्क टोन देने के लिए आईवरी ब्लैक कलर का यूज़ कर रही हूँ। जो आईवरी ब्लैक कलर था उसमें मैं थोड़ा सा ब्राउन कलर मिक्स कर टोन दूंगी, और जहाँ मुझे ज़्यादा डार्क टोन दिखाना होगा वहाँ थोड़ा सा ग्रीन या आप पर्शियन ब्लू कलर भी ऐड कर सकते हैं। हम डायरेक्ट ब्लैक कलर यूज़ नहीं करेंगे। अगर हम डायरेक्ट ब्लैक कलर यूज़ करते हैं तो उससे हार्ड टोन आ जाती हैं, इसलिए हम डायरेक्ट ब्लैक कलर यूज़ नहीं करेंगे। अगर हम बात करें ब्रशेस की, तो यहाँ पर मैंने राउंड ब्रश लिया हुआ है। ये इसके जो हेयर्स हैं वो लॉन्ग हेयर्स हैं एंड ये 0 point का ब्रश है, क्योंकि ये जो एरिया है ये बहुत ही नैरो है, छोटा सा एरिया है। तो यहाँ पर हम ज़्यादा हैवी या ब्रॉड ब्रश का यूज़ नहीं करेंगे। और जिधर ज़्यादा ब्रॉड एरिया होगा, थोड़ा सा स्पेस ज़्यादा होगा, वहाँ पर आप फ्लैट या राउंड ब्रश, ब्रॉड ब्रश यूज़ कर सकते हैं। और जिसने भी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें जिससे कि आप लोगों को मेरी वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहें। वीडियो को लाइक एंड शेयर भी करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आप लोगों को ये पेंटिंग कैसी लगी।